एक बात बतानी है आपको। डिसअपॉइंटमेंट और किसी चीज से नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान से हुई। इंतहाई गंदा खाना था, टू बी ऑनेस्ट मुझे उल्टी आई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जहाँ पे और कंट्रीज जो है सिंगिंग कर रहे थे, यहाँ पे ये लिप सिंग कर रहे थे, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहन के उसके इर्द गिर्द नाच रहे। तो भाई ये हमारे कल्चर में कहीं भी नहीं है, ये करने की आपको जरूरत भी नहीं थी। आपने यहाँ पे भी आके कौमी नगमा चला दिया यार, हर दफा यही चलाना जरूरी नहीं होता। हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल व्लॉग। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो भाई लास्ट ईयर 2023 में मैंने आपको एक कल्चरल शो का जो है वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया था। तो इस साल भी दोबारा वही शो होने जा रहा है, बल्कि हो ही रहा है। मेरे पीछे काफी शोर सुनाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे अभी फिलिपाइन लोग, इंडोनेशियन लोग अपनी परेड कर रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की परेड भी होगी, दूसरे कंट्रीज की परेड भी होगी, और यहाँ पे और भी जो जो एक्टिविटीज होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है, और वहां जाके मैं आपको सीन दिखाता हूँ। आपस में मिलाया जाए और लोगों के दरमियान में मोहब्बत पैदा की जाए, और देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये काम भी करता है। कोरियन लोग काफ़ी पाकिस्तानी फूड, डिफरेंट कंट्रीज के फूड ट्राई करते हैं, उनके कल्चर को देखते हैं, काफ़ी प्यार दिखाते हैं। तो बहुत मज़ा आता है जब वो ऐसे हमारे रंग में घुलते हैं। अभी भी पीछे काफ़ी लोग परेड कर रहे हैं, पाकिस्तान का नंबर भी आने वाला है। पाकिस्तानी लोग की परेड में आपको दिखाऊंगा। तो और पाकिस्तानी खाने यहाँ पे क्या क्या लगे हुए हैं, डिफरेंट कंट्रीज के खाने क्या लगे हैं, वो सब भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं और हम भी इंजॉय करते हैं। और के लिए मैं आपसे माजर करता हूँ, क्योंकि ये परेड हो रही है तो उस कंट्री का जो है म्यूजिक भी चल रहा है, और साथ में आप देखें अजीब सा एक मजा आ रहा है, माहौल बना हुआ है, लोग डांस कर रहे हैं अपने अपने म्यूजिक पे। पीछे दूसरे कंट्रीज भी हैं, वो भी आ रहे हैं, और मौसम चेक करें कितना प्यारा हो रहा है, चेक करें लोगों की रश कितनी ज्यादा है। उस तरह भी लोग खड़े हैं, पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा खड़े हैं, और यहाँ पे भी देखें कितने लोग खड़े हैं। और मैं लेट आया हूँ आज, क्योंकि मेरी सुबह क्लास थी, हाफ क्लास मैंने ली है, हाफ क्लास जो है मैंने बंद करी है, और क्लास बंद करके मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इस फेस्टिवल को मिस करूँ और आप लोगों को दिखाने से भी मिस करूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और देखें रश कितनी ज्यादा है। मौसम चेक करो, मैं तो बस मौसम देख के और इन लोगों को देख के खुश हुए जा रहा हूँ। मैं ही नहीं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब लोग ही इन्हीं को देख के खुश हुए जा रहे हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, रोड के उस तरफ परेड चल रही है, रोड के इस तरफ यहाँ पे अलग ही माहौल है, यहाँ पे सारे फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो अभी फूड स्टॉल्स की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किन किन कंट्रीज ने अपने खाने लगाए हैं, फूड स्टॉल्स लगाए हैं। तो हम भी ट्राई, मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं बहुत भूख गया हूँ, क्लास से सीधा यहाँ पे आया हूँ, कुछ ना कुछ खाता हूँ, देखता हूँ, फिर आपको टेस्ट बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। उसके अलावा फिर वहाँ पे जो पार्क है वहाँ पे भी कुछ सेटअप बनाया हुआ है, स्टेज बनाया हुआ है, वहाँ पे लास्ट परफॉर्मेंस होगी, सिंगिंग वगैरह की होगी, और टेक्वांडो की परफॉर्मेंस होगी, तो वो भी देखेंगे। तो अभी जो है ना इस तरफ चलते हैं, खाने की तरफ कुछ ट्राई करते हैं। तो खानों की तरफ हम जब आते हैं तो फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट स्टॉल ही पाकिस्तान का लगा हुआ है। यहाँ पे ये पाकिस्तानी भाई आइसक्रीम बेच रहे हैं, ये देखो कितने कोरियन लोग खड़े हैं। यहाँ पे शॉर्मा बेच रहे हैं, साइड पे बारबेक्यू है, और मेरे ख्याल से बिरयानी भी बेच रहे हैं। तो देखें रश कितना लगा हुआ है पाकिस्तान के स्टॉल पे। तो यही चीज इसकी बात कर रहा था, कि इन कल्चर फेस्टिवल कराने का यही मकसद है, और देखा जाए तो काफ़ी हद तक पूरा भी हो रहा है ये मकसद। देखें कोरियन लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, और फॉरेनर्स भी कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हम भी, अभी मुझे भी भूख लगी है, मैं भी कुछ ट्राई करता हूँ, कुछ पाकिस्तानी ट्राई करते हैं सबसे पहले, कि पाकिस्तानियों का कैसा जायका यहाँ पे आज। ज़्यादा लाइन लगी है ना, मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं कैसे जाके यहाँ से मैं अपना लूँ और वीडियो बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा। जब लाइन चेक कर रहे हैं अब इनके सबके पीछे खड़ा होना पड़ेगा मुझे भी। कह रहा हूँ अगर इस लाइन के इंतजार में खड़े रहना तो हमें शाम यहीं पे हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे कुछ और देखते हैं, कोई जहाँ पे रश कम हो वो खा के ट्राई करते हैं। मुझे एक और हलाल स्टॉल नजर आया, ये उज़्बेकी भाइयों का है, इस यहाँ से ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ। हाँ भाई, इसमें भी अभी एक घंटा लेट है, पिलाव में भी
ये प्रोग्राम भी One hour later. भाई काफी देर इंतजार करने के बाद अभी दो नंबर रह गए। दो नंबर के बाद मेरी बारी आएगी और फिर मैं ट्राई करूंगा पाकिस्तानी फूड और फिर आपको बताऊंगा अभी इनका जायका कैसा है, टेस्ट कैसा है। ऊपर शॉर्मा है लेकिन उसकी रश जो है ना बहुत ही ज्यादा है, तो मैं वहाँ पे मैं वेट नहीं किया, यहाँ पे थोड़ी सी कम थी तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अभी सिर्फ दो नंबर ही रहते हैं, उसके बाद मेरी बारी है। भाई आग लग गई है। बिरयानी, ये एक बिरयानी आई है मेरी और ये दो लस्सी की है मैंने, और देखते हैं ये इन्होंने मसाले के अंदर ऐसे डाल दिए। भाई बिरयानी बहुत ही थोड़ी सी है, ठीक है 10,000 रुपए की बिरयानी है और सीख मुझे मिली है तो ये दोनों ले लिए मैंने। अभी स्टेज तक जाते हैं जहाँ पे परेड चल रही है और वहाँ पे खड़े होकर परेड भी देखते हैं, साथ में ये भी खाते हैं, ट्राई करते हैं। इनका जायका मैं आपको बताता हूँ कैसा है। कच्चा रख रखा, पेट खराब कर रहा है। भाई खा देख कैसा जायका, कोई नहीं खा के देख। पक्के हुए हैं? नहीं ना, अगर अगर कच्चे पकड़ पकड़। मैं ये ट्राई करने लगा हूँ, हालत आपके सामने है। ये तो कच्चे है, कच्चे। It's the biggest piece of dog shit. भाई बस ये वहीं ले चल। गोश्त बिल्कुल कच्चा है, ठीक है इसका, और मसाले ऐसे ही इन्होंने उठा के लगा दिए। मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की प्रमोशन कर रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट। कोई ऐसे बहुत ही गंदा जायका, सच बता रहा हूँ मैं। खैर बिरयानी कच्चे मसाले हैं यार, ये देख। बात कच्चे मसाले की नहीं है, बात गोश्त की भी है। जल्दी जल्दी में पैसों के लिए इतनी जल्दी इन्होंने करके दे दिया ना, ये या मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी कच्ची स्मेल आ रही है और जायका ख़राब हो रहा है। ये ट्राई बिरयानी ट्राई करता हूँ। बिरयानी के ऊपर इन्होंने ये चिकन डाली हुई है और चावल नज़र नहीं आ रहे मुझे, केचप है, रायता शट टाइप का कुछ डाला हुआ है। ये ट्राई करता हूँ, जितनी भूख लगी इतना उतना इन्होंने ख़राब कर लिया सीन। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मुझे तो जायका नहीं आ रहा, बिरयानी दूर दूर तक। बस इसको छोड़, उनको दिखा, ये देखो भाई छोड़ो खाने को। केचप कौन डालता यार ऊपर। A few moments later. यार मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि इतना बुरा टेस्ट था ना हर चीज़ का खाने का, कि मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। मैंने यहाँ पे कुल्ली किए तब जाके मुझे जो है ना वाशरूम की तरफ आया था, यहाँ पे जाके मैंने एक दफ़ा कुल्ली किए तो मुझे आराम आया, वरना उल्टियाँ आने लगी थी, हुबक आ रही थी मुझे। इतनी गंदी गोश्त स्मेल और इतना मतलब ना कुछ मैरिनेट किया हुआ था ना कुछ पकाया हुआ था, कच्चा गोश्त दे रहे थे और मसाले कच्चे लगा रहे थे। खैर जो भी हो दफा करो इस चीज़ को, लेकिन यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए पैसों के लिए। खैर अगर वो भाई ये वीडियो देख रहे हो तो भाई नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा बंदोबस्त कर लो, पाकिस्तान का बदनामी हो रही है। और अभी चलते हैं वापस हम परेड की तरफ, देखें लोग जमा ही होते जा रहे हैं, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, ये परेड आगे तक जा रही है, वहाँ से घूम के ये वापस आएगी, तो अभी हम यहाँ की तरफ चलते हैं। भाई परेड वाला सीन तकरीबन हो रहा है अभी, आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग यहाँ से आएंगे, यहाँ से होते जाएंगे, तो हम लोग पहले स्टेज की तरफ आ गए। अगर लास्ट ईयर वाला आपको याद हो तो यहाँ पे इस स्टेज पे खुमारियान बैंड ने परफॉर्म किया था और इतना कमाल का परफॉर्म किया था ना कि कोरियन लोग ही नाचने को जो है मजबूर हो गए। तो आज मैं अच्छा भाई अभी ना मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, एक एक कंट्री आ रहा है वो परफॉर्म कर रहा है, और लास्ट में मैं आपको पाकिस्तान की दिखाऊंगा, तो आप बताइएगा कि आप 10 में से पाकिस्तान को कितने नंबर देंगे, मुझे बताइएगा। अभी सामने इंडोनेशिया आया उसका दिखाता हूँ। अच्छा ये सारे लोग पार्क में बैठे हुए हैं, यहाँ पे खड़े हैं इस तरफ, यहाँ पे लोग पीछे पार्क में बैठे हैं, और आपके भाई वाले जो है यहाँ पे स्टेज पे खड़े, स्टेज के ऊपर खड़े हैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। Oh,
Kaboom is a playing the traditional percussion instrument. Paul, while presenting the Bantwa traditional dance, following this, they will showcase the Rudy dance using Hindi sticks. गाइज ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। रही बात मेरी तो अगर मैं आपको बताऊँ काफ़ी मज़ा भी आया, लेकिन बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। डिसअपॉइंटमेंट और किसी चीज़ से नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान से हुई, टू बी ऑनेस्ट। सच अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जहाँ पे और कंट्रीज़ ने इतना अच्छा सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, वहाँ पे पाकिस्तान वाले जो डिपार्टमेंट था या कम्युनिटी थी, उसने बिल्कुल भी अच्छा जो है ना उसको मैनेज नहीं किया हुआ था। मतलब ना ट्रक आर्ट जो उन्होंने दिखाया बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रहा था कि उसके अंदर पाकिस्तानी ट्रक आर्ट कहाँ से शो हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा था। और उसके अलावा जो खाना है, पाकिस्तान के जो स्टार्स लगे हुए थे, इंतहाई गंदा खाना था। टू बी ऑनेस्ट मुझे उल्टी आई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पीछे गया हूँ। उसके बाद मेरा इतना दिल ख़राब हुआ है कि कुछ और खाने का दिल ही नहीं किया। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कि मैं झूठी तारीफ़ क्यों करूँ भाई। जो बात है, अगर ये अच्छा करते तो हम तारीफ़ भी करते। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी तारीफ़ की थी, क्योंकि बहुत मज़ा आया था, काफ़ी अच्छा जो है ना इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। कुमारियन बैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और इस दफ़ा जो इन्होंने मंगवाए हैं, इस दफ़ा जो ये लेके आए हैं, उसके अंदर उन्होंने वॉइस ओवर चलाई हुई थी, बस लिपसिंग कर रहे थे। जहाँ पर और कंट्रीज़ जो है सिंगिंग कर रहे थे, यहाँ पर ये लिपसिंग कर रहे थे, और बस यही सीन था। देखो यार, मुझे ये बातें करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, लेकिन जहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है भाई, पाकिस्तान का जो कल्चर शो करा है, एक लेडी जो है वो सुबह से ढोल बजाती हुई जा रही है, उसके साथ में लड़के हैं वो पाकिस्तानी पगड़ियाँ पहन के, ये जो है ना बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहन के उसके इर्द गिर्द नाच रहे हैं, तो भाई ये हमारे कल्चर में कहीं भी नहीं है। ये करने की आपको ज़रूरत भी नहीं थी। अगर आपने करना ही था तो भाई एक लड़का मंगवा लेते, उसको करते, ताकि हम भी उसमें शामिल हो सकते। मैं इसी वजह से शामिल नहीं हुआ क्योंकि मुझे कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था भाई। लास्ट ईयर हमने डांस भी किया था, एंजॉय भी किया था काफी, कुमारियन बैंड आया था। और एक और चीज मुझे काफी वो लगी कि यार देखो, कल्चरल जो है ना इवेंट है, तो उसके अंदर आप कोई कल्चरल गाना बजाएं, ठीक है। आपने यहाँ पे भी आके कौमी नगमा चला दिया है यार, हर दफा यही चलाना जरूरी नहीं होता। खैर, हम थक गए इन चीजों से। कल्चर शो कराएं यार, कल्चर दिखाएं उन्हें अपने कंट्री का। खैर जो भी है, खाने से भी मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई, पर क्या कह सकते हैं भाई, हम पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तानी है, हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं, तो ठीक है। तो यार अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हैं तो सॉरी, पर भाई जो मैं कोई झूठी तारीफ़ नहीं कर सकता। जो बात है वो बात है। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करें, हमें भी मज़ा आए, हमें भी जो है ना, हम भी प्राउड फील करें। तो ये थी आज की बात, मिलते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।